ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। चैप्टर्स के बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ना, देखना कौन से क्वेश्चंस के आंसर हो पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन के आंसर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दीपक पटेल आया है कि नहीं आया है? है दीपक पटेल? ठीक है, कल हमने पढ़े थे कि स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेजों के समय हमारे देश की इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या हालत थी। तो दो तरह के उसके मतलब पॉइंट्स थे, दो पॉइंट थे। पहला था डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तकला उद्योग था, वो नष्ट हो गया। और दूसरा पॉइंट आज पढ़ना है उसका, उसके कारण भी पढ़े थे पहले वाले पॉइंट के। अब दूसरा पॉइंट है इसका, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जो आधुनिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ बहुत मंद थी, बहुत स्लो थी, ना के बराबर थी। तो देयर वॉज नो एनी मोटिवेशन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट की साइड से कोई भी मोटिवेशन नहीं था, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। जो भी कर रहे थे उस समय वहाँ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, देयर आर सम प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैव इस्टेब्लिश सम इंडस्ट्रीज, कुछ प्राइवेट निजी क्षेत्र के लोग थे उस निजी क्षेत्र के, और उद्योग लगाने वाले उद्योग ने इंडस्ट्रीज लगाए। एंड दैट वाज आल्सो इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मीन्स आफ्टर 1850। आवाज सबको क्लियर हो रही है? 1850 के सेकेंड हाफ में जो कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत, वो कब हुआ? 1850 के सेकेंड हाफ में हुआ। अब इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1850, ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 1850 के बाद, सेकेंड हाफ का मतलब 1850 के बाद, 1880 के बाद। तो उस टाइम पे सम सुगर सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन अवर कंट्री, कुछ जो चीनी की, सीमेंट या पेपर, कागज के कुछ उद्योग लगने शुरू हुए। एंड द फर्स्ट इंडस्ट्री विच वाज वेरी लार्ज, मीन्स एक ऐसी इंडस्ट्रीज है दैट कैन बी कॉल्ड एज ए कोर इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्रीज, जो पहला कोई आधारभूत उद्योग था वो था सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इसका पुराना नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, प्रेजेंटली इट इज नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1907, 1907 में ये उद्योग लगा था, ये भी प्राइवेट सेक्टर का था। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देयर वॉज अ बूम इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, द डिमांड ऑफ द गुड्स ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वॉज वेरी हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय भारतीय उद्योग में काफ़ी तेजी आई। जो भी उद्योग लगे थे वो बहुत तेजी से विकसित हुई, उनके उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी। क्यों बढ़ी? बिकॉज एट दैट टाइम द वेस्टर्न कंट्रीज वर बिजी इन प्रोड्यूसिंग वार गुड्स, देयर वर शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब पहली वर्ल्ड वॉर और दूसरी वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस समय जो बहुत सारी वस्तुओं की कमी हो गई थी। क्यों कमी हो गई थी? वही लोग अपना
युद्ध के लिए जो चीजें हैं वही प्रोड्यूस कर रहे थे। इस वजह से अपने देश में जो भी इंडस्ट्री थी, दो चार जो छोटी मोटी लगनी शुरू हुई थी, उनकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये केवल उसी टाइम तक, उसी पीरियड तक सीमित रहा, उसके बाद फिर इनमें ग्रोथ जो थी वो कम होने लगी। The state participation in the process of modern industrialization was limited. The state was confined to such areas which were of strategic significance for the government, for the maintenance of law and order. जो चीजें ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए फायदे की थी, केवल उन क्षेत्रों तक ही सरकार का हस्तक्षेप सीमित था। सरकार केवल कुछ ही आधुनिक उद्योगों पर ध्यान दे रही थी, जो कि उसको उसके खुद के हितों को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे उद्योगों पे केवल, जैसे रेलवेज वाज डेवलप सो दैट द ब्रिटिश कैन सेंड इट्स ट्रूप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली, दे कैन सेंड देयर गुड्स टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। सरकार ने रेलवे का विकास कराया, रेलवे को आगे बढ़ाया, एंड कम्युनिकेशन को भी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो डेवलप्ड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो आसानी से देश में कानून व्यवस्था बना रख सके, एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहाँ आसानी से बातचीत कर सकें, मैसेज सेंड कर सकें, और जो उनके सेना की टुकड़ी है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में भेज सकें, इसलिए रेलवे बनाई। साथ में उनका जो प्रोडक्ट है वो घरेलू मार्केट तक पहुंच जाए, देश के हर कोने कोने तक उसका प्रोडक्ट पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे और कम्युनिकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया। देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर्थ द नेम, कोई भी पूंजी, कोई भी मतलब कैपिटल गुड्स यानी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी। सबको आवाज आ रही है? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करे, पूंजीगत वस्तु की इंडस्ट्रीज कोई भी नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर यूजफुल फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, इफ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज प्लांट्स, वी नीड सम टूल्स बाई विच वी कैन रन आवर इंडस्ट्री, जिसके जरिए अपने हम इंडस्ट्री को चला सके। ऐसी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, ऐसी मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी मशीनी वगैरह कहाँ बनती हैं? पूंजीगत उद्योगों में, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में, तो वो तो कोई थी भी नहीं अपने देश में। तो इसलिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ वो लोप साइडेड था। लोप साइडेड का मतलब समान विकास नहीं हुआ। इन सम पार्ट ऑफ अवर कंट्री सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड अदर पार्ट्स देयर वर नो इंडस्ट्रीज। कुछ हिस्सों में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी और कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी। अभी आवाज आ रही है? सभी नहीं आ रही है? बीच बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। सबको आवाज आ रही है सर? क्लियर नहीं आ रही। तो कोई भी मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना होने के कारण नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? नेपाल देवेंद्र जगह आ रही है? आ रही है सर। अब ठीक है, ये अपने आप हमें लगता है नेटवर्क चेंज कर लेता जब एक जगह पे।
नेटवर्क स्लो होता है तो अपने आप चेंज कर देता है। आज हम इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे जिससे अपने आप ना चेंज हो, एक ही पे बना रहा है। तो क्या था? इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी, पूरे चाहिए था इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें चाहिए। ये मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, और उसके लिए जब अपने देश में आसानी से प्लांट मशीनरी वगैरह नहीं अवेलेबल है हो रहा है, तो सबके पास तो इतनी क्षमता नहीं है कि दूसरे देश में, ठीक है। हाँ, आप सही आ रही है सबको आवाज, ठीक है। अगर हमें अपने देश में आसानी से मशीनरी मिल जाएगी तो हम आसानी से इंडस्ट्री लगा सकें। इफ वी आर नॉट एबल टू गेट मशीनरीज इक्विपमेंट्स टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, if we need to get it from foreign countries, then it will be difficult for us to establish new industries. नए उद्योग लगाने में हमें बहुत कठिनाई होगी, तो इसलिए औद्योगिकरण ज़्यादा नहीं हो पाया। अब साथ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखा जाए कि इंडिपेंडेंस टाइम कैसा था, तो उसको चार पॉइंट में बता सकते हैं। फर्स्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, विभेदकारी टेरिफ पॉलिसी तत्कर नीति अपनाई, जिससे उसने घरेलू क्षेत्र की जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है बिल्कुल उसको नष्ट कर दिया, हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू कम्पीट इन द डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट, नॉट दे वर एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, ना तो घरेलू बाजार में वो लोग प्रतिस्पर्धा कर पा रहे थे, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पा रहे थे। मॉडर्न इंडस्ट्रीज सोड ए ब्लीक एक्सपेंशन, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनका एक्सपेंशन मतलब उनका विस्तार बहुत स्लो था, केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज थी। किसकी वजह से हुई थी, प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुई थी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट वॉज ओनली कन्फाइंड इटसेल्फ टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज पोर्ट्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सरकार ने जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, रेलवेज पे ध्यान दिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे दिखाई ध्यान दिया, बाकी पे नहीं ध्यान दिया, अपने फायदे के लिए काम किया। थर्ड थिंग, कैपिटल गुड्स, देयर वर नो एनी कैपिटल गुड्स, कोई भी पूंजीगत उद्योग नहीं था उस समय, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी जो ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स वर डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन इन एन इन्फेंट स्टेज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी वो तो नष्ट हो रही थी सरकार की पॉलिसी की वजह से, लेकिन जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो इन्फेंट स्टेज में थी, मतलब कि अभी शैशवावस्था में वो तैयार हो रही थी, दो ही तीन इंडस्ट्री थी। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थोड़ा बहुत बूम उनको मिला, किस वजह से मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। पहली जो वर्ल्ड वार है, विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, इनके कारण ही केवल कुछ समय के लिए इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत इंडस्ट्री मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला, ठीक है। अब सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी सब लोग जान ही गए, दो तरह के मुख्य उद्देश्य थे गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी अपनाया, अपना घरेलू उद्योग हमारे देश का बर्बाद करना और दूसरा अपने देश का अपने देश को बढ़ावा देना, हमारे देश की को रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज करना। अब है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे विदेशी व्यापार मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति थी, देखो। बिफोर
द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर द ब्रिटिश रूल द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वॉज फ्लोरिस्ट इट वॉज वेरी गुड एंड द इंडियन पीपल वर ट्रेडिंग विद ऑल पार्ट्स विद ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में जितने भी देश हैं हर जगह पे हर दूर दूर तक हमारे देश के व्यापारी लोग जाते थे वहाँ पे व्यापार करते थे एंड रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड वर्ड्स बुलियन बुलियन मीन्स सोना चांदी का भंडार जो बुलियन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा ऑल प्रीसियस स्टोन्स गोल्ड गोल्ड हो गया सोना चांदी और जितने भी बहुमूल्य पत्थर वगैरह हो गए वो सबका सिंक सिंक का मतलब ऐसी ऐसा चीज जो सबको सोख लेता है अपनी तरफ से जैसे एक सोखता होता है उसको पानी के ऊपर रख दो तो पानी पूरा सोख लेता है स्पंज जैसा काम करता है वैसा काम करता था इंडिया जो था क्या था सिंक था पूरे वर्ल्ड के सोने चांदी की मतलब ऑल द गोल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स वर अट्रैक्टेड इन इंडिया जितना भी सब था सब भारत की तरफ आकर्षित हो रहा था मतलब इंडिया के लोग बहुत अमीर थे क्यों अमीर थे क्योंकि वो व्यापार करते थे बहुत से देशों में उनका बिजनेस चलता था लोग आते थे दूसरे देश के पीपल ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड केम टू इंडिया टू ट्रेड दे बाय प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड सेल इन देयर ओन कंट्रीज यहाँ से लोग अपना सामान खरीदते थे यूरोपियन कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज हर जगह से आते थे वेस्टर्न वेस्ट एशियन कंट्रीज जो अरेबिक कंट्रीज हैं अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ से भी आता है आते थे लोग सब जगह से अपना ट्रेड होता था व्यापार होता था एंड इंडियंस वर सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट्स टू देम उनको कौन सा सामान बेच रहे थे फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे थे बने बनाए सामान बेच रहे थे तैयार माल बेच रहे थे रॉ मटेरियल नहीं बेच रहे थे ठीक है बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज नोन एज द एक्सपोर्टर नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड अंग्रेजों के आने के पहले भारत को तैयार माल का शुद्ध निर्यातक बोलते थे तैयार माल केवल मतलब रेडीमेड गुड्स ही भेजी जाती थी कॉटन सिल्क टेक्सटाइल आयरन गुड्स वुडन गुड्स हैवी वर्क प्रीसियस स्टोन्स दीज आर द आइटम्स विच पीपल ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज कॉटन का कपड़ा यहाँ पे कॉटन का मतलब कपड़ा हम लोग बेचते थे सिल्क का कपड़ा बेचते थे टेक्सटाइल टेक्सटाइल इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है आयरन गुड्स सोने के आयरन गुड्स मतलब लोहे के जो सामान बनते नहीं हैं इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स छोटे मोटे टूल्स उपकरण वगैरह ये सब चीज़ें बेचते थे वुडन गुड्स बेचते थे लकड़ियों के सामान जो बनाते हैं वो बेचते थे आईवी वर्क हाथी का जो दांत होता है उससे सामान बनाते हैं बहुत से लोग हाथी दांत से जो कंघा वगैरह बनाते हैं और पेन वगैरह बनाते हैं बहुत सी चीज़ें सामान सजाने के लिए भी आती हैं ये सब चीज़ें बहुत महंगी बिकती थी प्रीसियस स्टोन्स स्टोन वर्क भी होता था ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें खूब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और इनके बदले हमें क्या मिलता था वी गेट गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज दूसरे देशों से हमें क्या मिलता था गोल्ड मिलता था ठीक है अब ये तो बात थी अंग्रेजों के आने के पहले हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मतलब फिनिश गुड्स तैयार करके बेचते थे मीन्स वी वर एबल टू मेड गुड्स एंड देन वी सोल्ड टू अदर कंट्रीज मीन्स वी हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अवर कंट्री हमारे देश में लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब रोजगार के अवसर ज़्यादा थे क्योंकि वो बनाते भी थे बेचते भी थे ठीक है दोनों काम हो रहा है किसान को भी इनकम हो रही है और किसान के प्रोडक्ट से जो सामान बन रहा है जो लोग बना रहे हैं उनको भी जॉब मिल रही है अब ब्रिटिश ने पूरा अंग्रेजों ने पूरा चेंज कर दिया उल्टा कर दिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड अब पूरा बदल गया अब इंडिया कच्चे सामानों का शुद्ध निर्यातक हो गया और तैयार माल का आयातक हो गया उल्टा हो गया अब कच्चा सामान कच्ची सामग्री अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब तैयार माल मंगा रहे हैं अब हम बना बनाया सामान नहीं मंगा रहे हैं
वो बना बनाया सामान नहीं बेच रहे हैं, बना बनाया सामान दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो अब हमारे लोग को जॉब कहाँ से मिलेगी जब दूसरे देश से सामान मंगाएंगे? दूसरे देश की फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ठीक है। और ये सब क्यों हुआ था, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकार ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे देश के साथ विभेदकारी, भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी, उसकी वजह से, ठीक है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक, फॉरेन ट्रेड का इंडिपेंडेंस टाइम के, उसके कुछ पॉइंट्स। पहला चीज, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। हम लोग, मतलब भारत जो है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी जो रॉ मटेरियल है उसका शुद्ध निर्यातक और तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया, ठीक है। इसके बारे में तो सब समझ गए हैं, पहले ही हमने बताया कि कैसे हुआ ये चेंज, कैसे आ गया टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो प्राइसेस थे वो चेंज हो गए हैं। द गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इन फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के जो भी तैयार माल थे, बना बनाया सामान था, उस पर अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। टैक्स लगाने से क्या हुआ, वो सब चीज़ें महंगी हो गई, महंगी हो गई तो फिर पीपल ऑफ अवर कंट्री वर नॉट एबल टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। पूरे विश्व की बाजार में हमारे देश के लोग कंपटीशन करने के लायक नहीं रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करने के लायक नहीं रह गए फिर, ठीक है। नाउ इंडिया बिकेम टू सेल रॉ मटेरियल, बिकेम टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक राइस, रॉ सिल्क। अब यहाँ पे कच्चा सिल्क बेच रहे हैं, सिल्क का धागा वगैरह बेच रहे हैं, हम कपड़ा नहीं बेच रहे हैं। कॉटन, कॉटन जो रुई होती है वो बेच रहे हैं, कॉटन क्लॉथ नहीं बेच रहे हैं, वूल बेच रहे हैं, वूल क्लॉथ नहीं बेच रहे हैं। पहले हम क्लॉथ बेचते थे, वुलेन जो क्लॉथ था वो बेचते थे, अब जूट बेच रहे हैं, जूट की सामान नहीं बेच रहे हैं, इंडिगो, सुगर, सुगर इस तरह की चीज़ें हम बेचना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट बिकेम नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड तैयार सामान अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से मंगाने लगे हैं। क्यों वो सस्ता पड़ता था, क्यों सस्ता पड़ता था? बिकॉज ब्रिटेन हैज मेड नो टैरिफ, नो टैक्सेस, नो इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट, ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट तैयार सामान आ रहा था भारत में, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, तो सस्ता पड़ गया। अब हमारे देश की इंडस्ट्री नष्ट होने लगी। आवर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, अब हम बना बनाया कॉटन, मतलब कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, ये सब मंगाने लगे। बिसाइड्स सेवरल टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स तो इंग्लैंड में ही बनती थी, हमारे देश में बनती नहीं थी पहले से ही, मशीनरी वगैरह तो बनती नहीं थी अपने देश में। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मीन्स द गुड्स विच वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कंपोजिशन का मतलब घटक, आयात और निर्यात के जो घटक हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हम आयात करते थे या निर्यात करते थे, इनसे पता चल रहा है कि हमारा देश बैकवर्ड कंडीशन में था, पिछड़े स्थिति में था। वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड्स, फिनिश प्रोडक्शन इन आवर ओन कंट्री, हमारे देश में खुद हम तैयार माल नहीं बना पा रहे थे। बिकॉज देयर वर नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कोई भी आधुनिक इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। वी हैड टू बाई कैपिटल गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, मशीनरी फ्रॉम अदर कंट्रीज, इन फ्रॉम ब्रिटेन, हमें ब्रिटेन से मशीनरी, कैपिटल गुड्स मंगाना पड़ता था। इससे पता चलता है कि हमारा, हमारे देश में सब चीज़ें बन नहीं पाती थी, ठीक है, बैकवर्ड था, पिछड़ा था। आज का टाइम नहीं है, आज तो हमारे देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ बनता है। सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत का जो विदेशी व्यापार है उस पे मोनोपोली कंट्रोल था। किसका था, किसका एकाधिकार था? अंग्रेजों का। मोर देन 50% ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ट्रेड वॉज डन विथ ब्रिटेन। हमारे देश में आज़ादी के पहले जितना भी आयात और निर्यात होता था, जितना ही व्यापार होता था, उसका 50% से ज़्यादा ब्रिटेन के साथ होता था, अंग्रेजों के साथ होता था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ फुल
control over the market of our country. It has monopoly control. इसका पूरा एकाधिकार था, पूरी तरह से हमारे देश के बाजार में अंग्रेजों का एकाधिकार था. एकाधिकार मतलब केवल यही मेन है, एक ही आदमी पूरा डिसाइड कर रहा है क्या यहाँ पे आएगा क्या यहाँ से जाएगा, पूरा उन्हीं का कंट्रोल है. 50% से ज्यादा उन्हीं का है. ठीक. तो नाउ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज चेंज. कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मीन्स गुड्स ऑफ ट्रेड वर आल्सो चेंज. जो कंपोजिशन था मतलब घटक थे वस्तुएं थी वो तो बदल ही गई. अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन भी चेंज हो गई. ट्रेड डायरेक्शन का मतलब हम किस डायरेक्शन में या किन किन लोगों के साथ अपना गुड्स सेल कर रहे हैं या किन किन लोगों के साथ किन किन देशों के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं. ठीक है. अंग्रेजों के पास आने के पहले क्या था, इंडियंस वर ट्रेडिंग विद ऑल डायरेक्शन, ट्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व की हर डायरेक्शन में व्यापार कर रहे थे. श्रीलंका हो चाहे वो इंडोनेशिया हो, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी, नॉर्थ ईस्ट नहीं साउथ ईस्ट एशियन के जितने भी कंट्रीज है सबके साथ था. ईरान हो चाहे यूएई वगैरह या अरेबियन कंट्रीज में कोई भी हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, मिस्र वगैरह इजिप्ट वगैरह इन सबके साथ अपना ट्रेड रिलेशन था. अब डायरेक्शन भी चेंज. अब उनसे कुछ छूटेगा उनसे कुछ बचेगा रॉ मटेरियल, सभी हम दूसरी जगह बेच पाएंगे. व्हाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश इंडस्ट्री इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. अब हमारे देश से रॉ मटेरियल का जो निर्यात होता था अंग्रेजों को, उससे अंग्रेजों की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत फ्लोरिश हुई, वो बहुत आगे बढ़ी और उनके लिए रॉ मटेरियल के लिए सोर्स बन गया. और साथ में जो इम्पोर्ट होता था ब्रिटिश प्रोडक्ट का, इससे अंग्रेजों को हमारे देश में अपने देश के लिए अपने देश की इंडस्ट्रीज के लिए एक मार्केट मिल गई. तो दोनों तरफ से ब्रिटेन का फायदा है. ठीक है. अब ये अपने देश के अलावा बहुत सारे देश पे अपना कब्जा किए थे, कॉलोनी बनाए थे अफ्रीका में और मलेशिया वगैरह बहुत सारे देशों में बनाए थे. तो हर देश में अपना प्रोडक्ट सेल करते थे, इनके लिए रॉ मटेरियल इनकी ज़रूरत थी, पूरी हो गई सब जगह बेचने के लिए. तो अब क्या हुआ, कुल मिला के ट्रेड डायरेक्शन प्लस कंपोजिशन ऑफ ट्रेड बोथ आर चेंज. ट्रेड की डायरेक्शन, ट्रेड की दिशा भी बदल गई और ट्रेड के जो घटक हैं, व्यापार के घटक हैं, वो भी बदल गए हैं. तो ये सब क्या हुआ, कॉलोनी कैसे हुआ, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल पॉलिसी बनाई थी, उपनिवेशवाद की नीति बनाई थी, उससे भारत के व्यापार में अंग्रेजों का पूरी तरह से एकाधिकार हो गया, पूरी तरह से नियंत्रण हो गया. सेकेंड थिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा अंग्रेज और भारत के बीच में ही सीमित रह गए, बाकी देशों का संपर्क टूट गया. और एक चीज और, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे ब्रिटेन को छोड़ के, कौन सा जितने भी देश हों, अगर वहाँ पे ट्रेड करना है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी. तो गवर्नमेंट तो परमिशन देगी नहीं, उसे पहले अपना देखना है. फिर थर्ड पॉइंट, इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्री वाइल इंडियाज इम्पोर्ट्स प्रोवाइडेड ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री. भारत के निर्यात अंग्रेजों की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल पहुंचाते थे और भारत का जो बाजार था वो अंग्रेजों की इंडस्ट्री के लिए एक बाजार देता था. तो इस तरह से ये जितने भी इसमें गुड दिखे हैं, क्वालिटी दिखी है, बैकवर्ड इकोनॉमी के गुड दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है. ये तो सब चलता रहा. ठीक है. इससे पता चल रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, पिछड़ी थी. हम लोग दूसरे देश पर पूरी तरह से डिपेंड हैं, अपना प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ दूसरे देश से ही मंगा रहे थे.
पूरी तरह से मतलब ब्रिटेन पे डिपेंड थे, बाकी देशों से हमारा पूरा संपर्क ही कट गया। कोई भी दूसरे देश को ना तो सेल कर सकते हैं ना कुछ खरीद सकते हैं, सारा ब्रिटेन के ऊपर है। ठीक है, ब्रिटेन को छोड़ के एक्सेप्ट ब्रिटेन, इफ एनी अदर यूरोपियन कंट्री वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया देयर वॉज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स ऑन दियर गुड्स। जो भी अगर ब्रिटेन को छोड़ के अगर कोई देश हमारे साथ व्यापार करना चाहता था तो उनके वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। अभी किसी को कुछ पूछना है इतने में? कोई भी किसी को प्रॉब्लम समस्या? अनुराग कोई समस्या तो नहीं आई? राम नरेश, ओम प्रकाश, निरपाल बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्यों? नो सर। ठीक है, फिर हम आगे शुरू करते हैं। अब ये स्वेज कैनाल, इन 1869 स्वेज कैनाल वाज ओपेंड। स्वेज कैनाल इट इज ए कैनाल बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीकन कंटिनेंट्स। यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक नहर बनी हुई है, स्वेज कैनाल खोली गई थी 1869 में। ठीक है, इन 1869 फर्डिनेंड मैगलन, एक थे फर्डिनेंड मैगलन, इंजीनियर थे, उन्होंने ये कैनाल खोल दी। पहले एक सकरा बिल्कुल रास्ता था, उससे यूरोप और जो अफ्रीका था वो ज्वाइंट थे, तो उसको क्या किया, उसको चौड़ा कर दिया, गहरा कर दिया, सो दैट शिप्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम दैट कैनाल। उस कैनाल से, उस नहर से आसानी से शिप्स वगैरह, बड़े बड़े जहाज वगैरह मूव कर सकें। तो इससे क्या हुआ, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। ब्रिटेन से अगर इंडिया कोई गुड्स लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम होगी। एट द सेम टाइम द टाइम ड्यूरेशन आल्सो शॉर्टेंड, जो टाइम ड्यूरेशन थी, समय था, वो भी कम हो गया। पहले पूरा अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीका जो कंटिनेंट को, कंट्रीज नहीं, अफ्रीकन कंटिनेंट को पूरा घूम के आना पड़ता था, तो बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज़्यादा धन भी खर्च होता था, वो बच गया। तो नाउ देयर इज ए डायरेक्ट रूट बिटवीन इंडिया टू यूरोप। अब यूरोप और इंडिया के बीच में सीधे सीधे एक रास्ता बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रमोटेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का और भी एकाधिकार बढ़ गया भारत के व्यापार में। जब कॉस्ट उनकी कम हो गई, आसानी से अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ सस्ते दर पे बेच सकते हैं और यहाँ का प्रोडक्ट ले जाके सस्ते दर पे मतलब ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ तो खराब हुआ, लेकिन एक चीज जो थी वो ये थी, उसको सुन के विश्वास नहीं होगा कि इस टाइम पे जो ट्रेड था वो सरप्लस था। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश द इंडिया हैज सरप्लस ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस जो था वो बैलेंस नहीं था, सरप्लस था, अधिक का व्यापार संतुलन था। बट द सरप्लस वॉज नॉट यूटिलाइज इन द प्रोमोशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, इन द प्रोमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो भी सरप्लस था, जो भी ट्रेड सरप्लस हो रहा था, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इम्पोर्ट कम कर रहे थे, वैल्यू ऑफ अवर एक्सपोर्ट वॉज मोर देन द वैल्यू ऑफ अवर इम्पोर्ट। बट द ट्रेड सरप्लस वॉज यूटिलाइज बाय द ब्रिटिश फॉर दियर ओन यूज, फॉर दियर ओन बेनिफिट। अंग्रेज अपने खुद के भले के लिए जो भी ट्रेड सरप्लस हो रहा था उसका यूज कर रहे थे।
अब ये सब लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये ट्रेड सरप्लस था, जब इंडिया में सब कुछ होता नहीं था। वो इसलिए होता था क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल है वो सबका सब पूरा अंग्रेज लेके चले जा रहे थे, ठीक है। ऑल रॉ मटेरियल वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एंड फ्रॉम ब्रिटेन इट वॉज चेंज इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड ब्रिटेन हैज ब्रिटेन वॉज सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स इंटू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे देशों में ब्रिटेन वहाँ से जो भी रॉ मटेरियल पहले अपने देश से ले गए और वहाँ इंग्लैंड में उन्होंने वो उसका सब कुछ नया प्रोडक्ट तैयार किया, तैयार माल बनाया और बहुत सारे देशों में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पे कब्जा किए थे, क्लास 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे देशों में उनकी सरकार थी तो हर देश में बेचते थे, खरीदते एक देश से थे, ले जाते थे वहाँ सब कर बेचते थे, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो था वो ज़्यादा था, ठीक है। एंड इम्पोर्ट्स वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट वॉज लेस, आयात का मूल्य कम था क्योंकि हम लोग गरीब थे, ज़्यादा खरीद ही नहीं पाते थे। This surplus was owing largely to the export of primary goods, which is ये तो अभी बता दिया, primary goods के सेल होने की वजह से surplus था, ठीक। Trade surplus was not used for the growth and development of the country, instead it was used to meet administrative expenses of the British government in India। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार जो भी administration कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, सेना रखनी है, उन सब पे खर्च हो रहा था। इट वॉज स्पेंट ऑन द इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटेन, जो इम्पीरियलिज्म था ब्रिटेन का, साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी अपनाई थी, नीति अपनाई थी, उस पर ब्रिटेन खर्च कर रही थी अपनी सेना रखने के लिए। एक्सपेंसेस वर ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरकार जो है जो युद्ध लड़ रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सारे युद्ध सब अपने देश के धन से ही उन्होंने लड़े थे। चाइना में कभी कब्जा करना था, कभी दूसरे देशों में कब्जा करना था इन लोगों को, तो उन सब के लिए सेना चाहिए था, सेना पे ये सब लोग खर्च कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस लेड टू ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव और वार एक्सपेंस की वजह से प्रबंध व्यवस्था और युद्ध के खर्चों की वजह से भारत से बहुत सारा धन की निकासी हुई, मतलब अपने देश से सारा धन ब्रिटेन में जाने लगा, ठीक है। ये धन निकासी का जो सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वॉज गिवेन बाई दादा भाई नेहरू जी, जो पढ़े थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पहले जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय की गणना की थी, दादा भाई नेहरू जी, उन्होंने ही ये दादा भाई नेहरू जी ने ही ये थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है, अंग्रेज सरकार है, हमारे देश का यूज कर रही है, हमारे देश के धन को अपने लिए लेके चली जा रही है, अपने यूज में, अपने फायदे में, अपने देश के बढ़ावा देने के लिए यूज कर ले रही है। और जितना भी ट्रेड हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, तो उसका कोई भी फायदा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो सरप्लस ट्रेड क्या करते थे, सरप्लस जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज ओनली स्पेंट टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के व्यापार में जो भी सरप्लस होता था, जो भी आधे के आता था, उसको क्या करते थे, वह केवल खर्च किया जाता था अंग्रेजों के भारत में प्रबंध व्यवस्था संबंधित खर्चों के लिए, प्लस दूसरे देशों में जो युद्ध लड़ना है उसके लिए। अब इन खर्चों से क्या हुआ, दीज एक्सपेंसेस लेड टू ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ एज इट वाज नॉट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये खर्चों से क्या हुआ, ये सारे जो थे, इनकी वजह से हमारे देश में
वेल्थ का, धन का, धन की निकासी हुई, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश से धन चला गया। तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ और कोई भी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ और हम लोग पिछड़े रह गए हैं। कॉन्सिक्वेंटली पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस वर एलिवेटेड। इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप हमारे देश में गरीबी और पिछड़ापन हो गया। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उसी को और यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि वह चीज़ें साथ में दी हैं। अब ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है, इनके क्वेश्चन देखते रहना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिलते जुलते ही क्वेश्चन लगेंगे। जैसे व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश, इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे, लगेगा सब में सेम ही आंसर है, तो उसको ध्यान से जरा समझना, क्वेश्चंस वगैरह देखते रहना, ठीक है। आप सभी लोग एकजुट हो जाएं, किसी को कुछ पूछना है तो बताएं।